बरेली के थाना प्रेमनगर निवासी एक व्यक्ति ने अपना वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन से अपनी जान की सलामती मांगी। व्यक्ति का कहना है, मेरा पुत्र और पुत्रवधू मुझे जान से मारना चाहते हैं। मेरे घर पर अवैध कब्जा कर लिया है और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी इधर उधर कर दिए हैं। वीडियो में अपने ही परिवार के व्यक्तियों पर जान से मारने का आरोप लगाते हुए कहा कि भविष्य में अगर मेरी मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेदार निधि और शिखर होंगे। व्यक्ति का कहना है, इन लोगों ने मेरे पीछे गुंडे लगा रखे हैं, मुझे जान से मारने की हर कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति ने बताया कि इन सब लोगों ने मेरी मुकदमेबाजी चल रही है और मुझे कानून से पूरी उम्मीद है कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ थाना प्रेम नगर में दो लोगों को नामजद कर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी बरेली ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर विधि कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम मोहन सिंह न्याल है, वो थाना प्रेम नगर के रहने वाले हैं। उनके द्वारा अपने पुत्र शिखर न्याल और पुत्र वधु निधि न्याल के ऊपर जान से मारने की धमकी देने और अपने जर्मन सफर कुत्ते को छोड़ देने, सीसीटीवी कैमरे को खुर्द-बुर्द कर देने एवं घर पे अवैध कब्जा कर लेने आदि और कतिपय आरोप लगाए गए हैं। इस संदर्भ में थाना प्रेम नगर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है जिसमें 307-380। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।